हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सखी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको मिंगी पाक बनाना सिखाऊंगी। सिर्फ मिंगी और चीनी से बनाऊंगी। इसमें ना खोए का इस्तेमाल करूंगी, ना मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करूंगी। आपने पंचमेवा पाक वगैरह तो बहुत बनाए होंगे, लेकिन आज मैं खाली मिंगी और चीनी से पाक बनाऊंगी। तो आइए देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये मैंने 200 ग्राम खरबूजे की मिंगी ली हैं। इनमें से एक आध छिलके होते हैं, उन्हें आप साफ कर लीजिए। और जितने हम खरबूजे की मिंगी लेते हैं उससे हम आधी चीनी लेते हैं। 100 ग्राम हमने चीनी ली है और ये 50 ग्राम मैंने पानी लिया है। तो आइए सबसे पहले मिंगी को भूनते हैं। रखते हैं एक पैन को। पैन को थोड़ा गर्म होने देते हैं। इसमें थोड़ी थोड़ी करके मिंगी डालेंगे। फ्रेंड्स, ये पाक बहुत ही अच्छा लगता है। ना इसमें खोवे की जरूरत है, ना इसमें मिल्क पाउडर की जरूरत है। बिना इसके ही ये बहुत टेस्टी पाक बनता है। तो आप इसे जरूर बनाइए। पैन हमारा गर्म हो चुका है। इसमें थोड़ी थोड़ी करके मिंगी डालेंगे जिससे ये आराम से चटक जाती है। फ्रेंड्स, ये भून चुकी है। इसी तरह से हम सारी मिंगियों को भून लेंगे। पैन हमारा गर्म है, थोड़ी सी इसमें और डालेंगे। सारी मिंगी को एक साथ नहीं डालना चाहिए क्योंकि पैन हमारा ठंडा हो जाता है, तो फिर चटकने में इसमें देर लगती है। थोड़ी थोड़ी करके बहुत जल्दी जल्दी भुन जाती है। ये फ्रेंड्स, मिंगी मैंने सारी भून ली है और इनको मैंने हल्का ठंडा कर लिया है, क्योंकि ठंडा कर कोई मिक्सी में कोई भी चीज़ डालने से पहले ठंडा करना ज़रूरी है। तो इसको डालते हैं मिक्सर जार में। और इसका हमें बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा हल्का सा दरदरा रहने देंगे, जिससे मिंगी पाक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसको हम पीस लेते हैं। ये फ्रेंड्स, मिंगी मैंने पीस ली है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ना तो ये बिल्कुल बारीक है, ये इस तरह से इसका टेक्चर रहेगा। तो आइए, एक ट्रे में बर्फी की ट्रे है ये, इसमें हम घी लगा लेते हैं चारों तरफ। अगर आपके पास ये ट्रे नहीं है तो आप थाली में भी जमा सकते हैं। इसको मैंने ग्रीस कर लिया है। अब रखेंगे हम एक पैन, और पैन में हम डालेंगे पानी। और डालेंगे इसमें हम चीनी। अब हमें इसकी एक तार की चाशनी बनानी है। जब एक तार की चाशनी बन जाएगी तब हम इसमें अपनी पिसी हुई मिंगी को डालेंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है, इसे आप बिल्कुल आसानी से घर में बना सकते हैं। ये चीनी इतनी बिल्कुल 200 ग्राम मिंगी है, तो 100 ग्राम चीनी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा खाना चाहते हैं तो 1-2 चम्मच बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मिंगी पाक में बहुत ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता, इसमें हल्का ही मीठा पड़ता है। इसलिए मैंने मिंगी से आधी चीनी ली है। फ्रेंड्स, चाशनी में दिखाती हूँ आपको। इसमें हमें एक तार की चाहिए, तो इस तरह से देखिए, इस तरह से देखिए एक तार खिंच रहा है। ये चाशनी हमारी परफेक्ट है। गैस को मैंने बंद कर दिया है। आइए अब इस मिंगी को हम इसमें डाल लेते हैं।
इसको अच्छी तरह से चारों तरफ से मिला लेंगे। ये फ्रेंड्स हमारा मिश्रण तैयार हो चुका है, अब इसे हम इस ट्रे में जमा लेंगे। ये 5-7 मिनट में ही जमकर तैयार हो जाएगी। अब इसमें मैं कट के निशान लगा लेती हूँ। इसको मैं स्क्वायर शेप में काट रही हूँ। आप इसे और डायमंड शेप वगैरह में भी काट सकते हैं। इसके ऊपर से मैं एक एक बादाम लगा दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स मेरी जमकर बिल्कुल तैयार हो गई है। ये 5 मिनट भी नहीं लगते जब तक ये जमकर तैयार हो जाती है। अगर हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई है तो इसको जमने में बिल्कुल बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। और अगर आपकी चाशनी अगर ढीली रह जाती है तो आप इसे पैन में दोबारा डालकर एक बार और थोड़ा सा चला लें, उसके बाद फिर दोबारा से जमा दें तो ये जम जाएगी। आइए इसको अब सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये मेरी मिंगी की बर्फी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं और जिस तरह से मेजरमेंट मैंने लिया है मिंगी और चीनी का उसी तरह से आप लीजिए। फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये रेसिपी आप सारी फेसबुक पर भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।